स्वर्गीय दत्तोपंजी ठेंगड़ी जन्म शताब्दी समारोह समिति की माननीय अध्यक्षा और पूर्व लोकसभा अध्यक्षा आदरणीय सुमित्रा ताई जी, इस समिति के सारे क्रियाकलापों को देखने संभालने वाले आदरणीय ब्रजेश जी, समिति के सभी आदरणीय सदस्यगण, विविध संगठनों के यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सुमित्रा ताई जी ने जो प्रारंभ से ही उल्लेख किया है, दत्तोपन जी के जन्म के 100 साल पूरे हुए तो हमको ये लगता है कि उनके जन्म शताब्दी को मनाना चाहिए। ये बिल्कुल स्वाभाविक बात इसलिए है कि वो हमको अपने लगते हैं, ऐसा उनका संबंध रहा है। जिन जिन लोगों को उनके सान्निध्य का सौभाग्य मिला है, जिन जिन परिवारों में उनका आना जाना रहा है देश भर में, उन सबकी ये अनुभूति है। और चूंकि प्रत्येक कार्यकर्ता से व्यक्तिगत संबंध इस प्रकार से वो बनाकर रखते थे, सभी कार्यकर्ता, और क्योंकि अंतिम समय तक वो सक्रिय थे, इसलिए उनके जीवन काल में जो जो कार्यकर्ता थे छोटे बड़े, उन सबको इसका कुछ ना कुछ अनुभव है उनके इस स्पर्श का, और इसलिए स्वाभाविक लगता है। और ये भी अनुभूति है कि इस स्पर्श में से हम सब लोगों ने अपने विकास के लिए कुछ न कुछ पाया है, अपने कुटुंब ने पाया है, व्यक्तिगत संपर्क जिनका उनसे आया, उन सब ने उनसे कुछ न कुछ सीखा है, कुछ न कुछ लिया है। और इसलिए जन्म शताब्दी का एक भाव तो ये है कि ये एक कृतज्ञता यापन अपना है। दूसरी बात है कि इतना असामान्य व्यक्तित्व हो गया और सौभाग्य से हम उसके संपर्क में आ गए, हमको तो लाभ मिला, लेकिन उनका लाभ सबको मिलना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति कम होते हैं। यानी एक ही समय एक तत्वचिंतक, एक सक्षम नेतृत्व और उत्कृष्ट संगठक, एक ही व्यक्ति में ये तीनों बातें मिलना और इन तीनों बातों का उनके क्रियाकलापों में समान रूप से प्रकट होना एक कठिन बात है। तीनों क्षमताएं हो भी सकती है, लेकिन आदमी फिर किसी एक पहलू में उलझ जाता है तो बाकी दो पहलू उपेक्षित हो जाते, ऐसा नहीं हुआ है। दत्तोपन जी का तत्वज्ञान का व्यासंग, दत्तोपन जी का बहुत सक्षम रीति से और समाज जीवन के अनेक क्षेत्रों में नेतृत्व का प्रदान करना, और दत्तोपन जी का जिन जिन कामों में वो रहे उन उन सारे कार्यकर्ताओं को संगठन के सूत्र में पक्की तरह जोड़ लेना, ये सारी बातें समान रूप से तथा सर्वकाल चलती रही। और इसलिए इसका लाभ सबको मिलना चाहिए। तो इनके बारे में हम समाज का प्रबोधन करेंगे, ऐसा हमने अभी तय किया है। उनके विचार हम समाज में ले जाएंगे, उनके व्यक्तित्व की और सारी बातें बताएंगे, जो संगठन की पद्धति उन्होंने खड़ी की उसके महत्व के बारे में समझाएंगे, उनके जो अनेक स्वप्न थे हमारे भी वही स्वप्न है, उन्होंने ही हमको दिया है, जैसे सामाजिक समरसता का उल्लेख हुआ। दत्तोपन जी का और इस विषय से और उनके बचपन से संबंध रहा है, उनके व्यक्तिगत संपर्क में बचपन से उनके जो मित्र हैं, समाज के सब स्तरों के सब वर्गों के लोग हैं, और दत्तोपन जी आयु से और स्थान से इतने बड़े होने के बाद भी जब जब वो किसी निमित्त आरवी जाते थे, उन सब मित्रों से जैसा पहले मिलते थे
वैसा ही मिलते थे। जैसा पहले उनका निकट का व्यवहार रहता था वैसा ही व्यवहार रहता था। आयु बड़े होने पर भी दो मित्रों को आपस में मिलने में मुक्तता का संकोच होता है, वो बिल्कुल नहीं था। और स्थान बड़ा होने के बाद तो थोड़ा लिहाज दोनों तरफ से रखा जाता है, बाकी लोग तो रखते ही होंगे, दत्तोपंजी नहीं रखते थे, वो मित्र को मित्र जैसे ही मिलते थे। और यही बात उनकी रही है। और इस सारा क्रियाकलाप करते समय सौभाग्य से उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत निकट सान्निध्य प्राप्त हुआ। उनके चाचा जी मजदूर नेता थे, इसलिए मजदूर जीवन से भी उनका उनके जवानी से संबंध रहा है। स्नेह और करुणा उनको बचपन से मिली थी, यानी जन्मजात थी, तो स्वाभाविक जो करते थे उसमें सारी बातें आती थी। और इसलिए बड़ा गहरा अध्ययन करके उनका एक सपना था कि ये जो ऊंच नीच की विषमता है वो निकल जाए, और निकल जाने का वास्तविक उपाय है पहले मन से निकल जाए, मन में आत्मीयता उत्पन्न हो, मन में अपनापन उत्पन्न हो, तो बाकी सारी बातें पाटी जाएंगी उसके भरोसे। मनुष्य के प्रयत्नों से जहां तक विषमता को हटाया जा सकता है, प्रकृति दत्त जो बातें प्रकृति रखती है सब में अलग अलग, वो छोड़कर वहां तक मनुष्य समता स्थापित कर ले, इसके लिए उसको विचार ऊर्जा दृष्टि देने वाली मन की जो समरसता है वो सारे देश में स्थापित हो, ये उनका सपना था। अपने देश के गौरव की बात मन में रखकर हम स्वावलंबी बने, सारे दुनिया को जोड़ते हुए भी हम परावलंबी ना बने, इसलिए स्वदेशी उनके मन की एक बात थी, उसके लिए वो प्रयासरत थे। और उनके इस प्रेरणा के कारण, परिश्रम के कारण, उनसे मिली दृष्टि के कारण हम सब लोगों ने मिलकर कुछ अंतर तय किया है, अभी काफी दूर जाना है, उन सपनों को पूरा करना है। इस दृष्टि से भी अपना प्रबोधन होगा। उत्कट देशभक्ति भारत भक्ति ये तो उनके जीवन का स्थायी भाव था। वो स्थिर चित्त थे, जैसा ताई जी ने अभी बताया, प्रमुख आदमी को स्थिर चित्त होना पड़ता है, बहुत ही स्थिर चित्त थे। मन में जो और भावनाओं का तूफान चलता था वो कभी भी उनके कर्म में वाणी में प्रकट नहीं हुआ, अंदर ही अंदर उन्होंने उसको पचाया, उनके निर्णयों को उसने प्रभावित नहीं किया, दिशा देने तक का जितना काम होता है उतना ही हुआ उसके आधार पर। परंतु ऐसे दत्तोपंजी भी मैंने ये स्वयं देखा और सुना है कि जब देशभक्तों का विषय आता था, देशभक्ति का विषय आता था, तो सद्गदित हो जाते थे। नागपुर में कार्यालय में कुछ प्रसंग था, नागपुर के कार्यालय में, संघ कार्यालय में, और उस निमित्त जितने पुराने प्रचारक विदर्भ नागपुर के यहां पर थे उनको इकट्ठा किया था, थोड़ा बहुत कोई गमछा धोती हुए ऐसा देना, उनके साथ भोजन करना, ऐसा अनौपचारिक कार्यक्रम था, कोई समारंभ नहीं था। लेकिन दत्तोपंजी है तो दत्तोपंजी कुछ विचार रखेंगे, ये योजना भी थी। उस समय उनका जो भाषण हुआ है तो दत्तोपंजी की भी आंखों में आंसू और सुनने वालों के भी आंखों में आंसू। और विषय कुछ, विषय क्या, विषय यही समर्पण। अनेक फुले फुलती फुलोनी सुकोनी आ जाती, कोणी त्यांची महती गणती ठेवीली असे, परिजे गजेंद्र शुंडे ने उपरले श्री गजेंद्र शुंडे ने उपटिले श्रीहरि चरणीच ठेले, फूलते अमर दहाले जगा माझी। इसको लेके उनका जो शुरू हुआ पूरा, वो माझे मृत्युपत्र सावरकर जी की कविता, और उसको लेके फिर समर्पण का भाव,
इतना उत्कटता से वैसा भाषण मैंने अपने जीवन में सुना नहीं है। उसका कैसेट भी सुनते हैं तो रोमांच उठते हैं। अब ये सारी बातें हमको इस जन्म शताब्दी के निमित्त ले जानी है दत्तोपन जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व और विचारों के प्रबोधन के निमित्त से। और इसलिए पहली बात है कि हमको इन बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। एक अपनत्व है लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है। अपनत्व जिसके बारे में है उसको समझना भी पड़ता है, तो हमको भी अध्ययन करना पड़ेगा कई बातों का, लोगों के सामने हमको बताना है। अमूल कुछ बताना नहीं है, अमूल यानी बिना मूल का। महापुरुषों के बारे में दंत कथाएं चलती है, किंवदंतियां चलती है, और श्रद्धा की भी कुछ बातें होती है जो प्रमाणित नहीं की जा सकती, प्रामाणिक तो हो सकती है। लेकिन जनता का प्रबोधन जब करना है तब उसका काम नहीं है। अब है दत्तोपन जी के चरित्र के ये प्रसंग है कि 4 साल तक वो एक शब्द नहीं बोले थे, गाणगापुर उनको ले गए, वहाँ पूजा वगैरह हो गई। माता जी दत्त भगवान की उपासक थी और वापस आते समय भुसावल स्टेशन पर पहले उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। तो दत्त का प्रसाद दत्तोपंत ऐसा मानने वाले बहुत लोग, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये लोगों में ले जाने की बात नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने जगह ठीक ही है, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन लोगों में हम क्या ले जाएंगे, ये हमको अध्ययन करना पड़ेगा। ये बातें हम बताएंगे तो लोगों में भी एक गौरव भाव जागृत तो होगा, लेकिन हमको केवल दत्तोपन जी के प्रति गौरव भाव जागृत करने में क्या है, और ऐसा होने में दत्तोपन जी को भी क्या है, उनको तो इसकी कई चाह नहीं थी। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ऐसे होते हैं। उनको इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा जीवन भर उन्होंने। तो हमको जो ले जाना है वो क्या ले जाना है, हमको भी ठीक अध्ययन करके जाना पड़ेगा। कुछ समिति के लोग भी आपको निर्देश देंगे, लेकिन हम सब उन विचारों के कार्यकर्ता है, तो शताब्दी हो ना हो हमारा तो कर्तव्य है ये सारा अध्ययन उनको करना चाहिए, शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि फिर बातें ध्यान में आती है। ऐसा दत्तोपन जी ने एक विचार दिया है, नहीं विचार तो अपना सनातन विचार है, उस विचार को सभी लोगों से ग्रहण किया और सामान्य लोगों के लिए बहुत सीधे सूत्र में डॉक्टर साहब ने रखा। उस विचार की उस समय मान्यता नहीं थी, डॉक्टर साहब का संपर्क जिनका आया, संघ का संपर्क जिनका आया, उतने लोगों ने उसको समझा, लेकिन सारे समाज में उसको ले जाना था तो उसको और विद्वानों को शोभा देगी ऐसी भाषा में तर्कों से मंडित करना, भाष्य करना, सामान्य सूत्रों का एक विशाल विचार परिसर खड़ा करना, ये काम था पूजनीय गुरु जी ने किया, डॉक्टर साहब के सूत्रों के भाष्यकार उनको कहा जा सकता है। यूं ऐसा उनको कहने के लिए कहने वाले की योग्यता चाहिए, वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं कहता हूं। गुरु जी के उन विचारों के आधार पर, यानी अपनी सनातन परंपरा के और सर्वमान्य विचार के आधार पर एक युगानुकूल बातें जोड़ने की आवश्यकता, दो लोगों ने तो ज्ञान के क्षेत्र में इस काम को इस विचार परिवार में किया है, एक है दत्तोपन जी, दूसरे है दीनदयाल जी। दीनदयाल जी की जन्मशती हो गई, दत्तोपन जी की है। दीनदयाल जी का विचार विशेषकर केंद्रित रहा राजनीति और जहां वो काम कर रहे थे, दत्तोपन जी ने भी अनेक क्षेत्रों में काम किया और इसलिए इस विचार को उन्होंने दिया है।
और इस विचार के समसामयिक संदर्भों में बहुत कुछ कहा है। अब उस विचार को हम ग्रहण करेंगे, समझेंगे और वो रखेंगे, तब एक बात और ध्यान में रखनी है कि अपने भूमि में सनातन काल से चलता आया हुआ विचार अपने देश के सभी महापुरुषों ने रखा है। डॉक्टर साहब के समकालीन सभी महापुरुषों ने उसी विचार के आधार पर मंडन किया है, लेकिन उस विचार के आधार पर उन्होंने जो कहा है उसमें अंतर है, क्योंकि संदर्भ प्रत्येक का अलग अलग है, पृष्ठभूमि प्रत्येक की अलग अलग है। जिस समस्या को लेकर इस विचार का उनको और अप्लीकेशन करना है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो समस्याएं अलग अलग है, अलग प्रकार की है। तो फिर ऊपर ऊपर विचार करने वाले को उसमें एक अंतर दिखाई देता है। वो अंतर होना आवश्यक भी था उस समय, क्योंकि ये बदलता ही है, आज भी समय बदल गया है। तो और समय बदलते जाने वाला है, केवल आज की बात नहीं, कल भी बदलने वाला है। जीवन का स्वरूप बदलता है। पहले हम प्रवास करते थे, पैदल करते थे, घोड़े पर करते थे, बैलमंडियों से करते थे। एक प्रवास की बात की, यात्रा करने की बात की, तो आज जो तरीका बदल गया है उसके कारण कितनी बातें बदल गई है। आजीविका प्राप्त करने के लिए लोग बहुत ज्यादा भटक नहीं सकते थे, इसलिए नहीं भटकते थे, इसलिए आजीविका कमाने के तरीके भी अलग थे, मर्यादित भी थे। आज एक यात्रा का तरीका बदल, अगर मैं चाहता हूं और मेरे में गुण है तो मैं अमेरिका में भी आजीविका खोज सकता हूं और आज जा भी सकता हूं, आसानी से जा सकता हूं, और थोड़ा अधिक कमा लूं तो मैं चाहे जैसा आ जा सकता हूं, तो मेरे जीवन का तरीका बदल जाएगा। ऐसे बदलते हुए काल देश परिस्थिति के अनुरूप मूल्यों को कायम रखते हुए रूप को बदलने की गतिमानता विचार में होनी चाहिए। तो आज के समय के अनुरूप उन विचारों को हम कैसा ले जाएंगे जिनको दत्तोपन जी ने लिखा है, बोला है, हमारे पास उसके ग्रंथ है, उसके और ध्वनि मुद्रित है हमारे पास, हम सुनते आए हैं उनको। उस समय दत्तोपन जी ने ऐसा कहा, उसी को आज कहना है। उसका आशय कायम रखते हुए, उसके मूल्य कायम रखते हुए, उसका मूल कायम रखते हुए आज किस रूप में जाने से उसकी सार्थकता सिद्ध होगी, उसकी स्वीकार्यता बनेगी, ये चिंतन दत्तोपन जी करते थे। दत्तोपन जी ने संघ का विचार रखा, लेकिन दत्तोपन जी के विचार में सामान्य संघ कार्यकर्ता के बोलने में जो उदाहरण नहीं आते वो भी आते थे। उसके लिए अध्ययन, चिंतन, व्यासंग उन्होंने किया, परिश्रम उन्होंने किया। तो मार्क्स से लेकर उमर खय्याम की रुबाइयों तक सारे दुनिया भर के पुराने और अद्यावत साहित्य का उनका अध्ययन था। वो अध्ययन कर सके ऐसा जीवन क्रम उन्होंने अपना बनाया था। बाकी सारे काम संभाल पर उन्होंने ये भी किया, हमको भी करना पड़ेगा, सामान्यतः मनुष्य स्वभाव ये होता है। विनोबा जी कहते थे कि कार्यकर्ता आजकल कहते कि भाई हमको काम बताओ, ये सोचने वाली बात हमसे नहीं होती, हमको काम बताओ जमीन पर, हम करेंगे। और दूसरा एक प्रकार के कार्यकर्ता को होते हैं, वो मिट्टी में खेलना हमको नहीं होता है, हम हाथ से काम कर, हमको आप सोचने के लिए बताओ, आप समस्या बताओ, हम सोचेंगे, आपको उपाय बताएंगे। विनोबा जी कहते थे ऐसे से कुछ नहीं होने वाला, जो परिश्रम करता है उसका चिंतन चाहिए, और जिसका चिंतन है वो अगर उसको व्यवहार में उतार कर नहीं दिखाता उसका कोई अर्थ नहीं। अब दत्तोपन जी सब काम करते थे और काम के साथ ही अध्ययन भी उनका रहता था, इतना बड़ा व्यासंग था। कभी मैंने ये तो नहीं देखा उनको बहुत जल्दी उठकर वो कहीं कंठस्थ कर रहे वगैरह, लेकिन उनको सब कंठस्थ रहता था। बहुत कष्टपूर्वक एक एक भाषण की तैयारी करते समय 100-100 रेफरेंसेस निकाल के उनको एक बार फिर से देख लेते थे, है उनके पास तो भी। अब संघ के कार्यक्रमों में कौन से विषय रहते, एक ही विषय रहता है, एक ही विषय के 10-12 पहलू रहते हैं, तो लगातार 30-30 साहब, मैं भी
बोल रहा हूँ संघ में, भाषण करता ही हूँ बौद्धिक वर्ग जिसको कहते हैं, तो जितने विषय है हमारी कक्षा में वो सारे मेरे कंठस्थ हैं। ऐसे उनके तो थे ही, लेकिन ऐसा होने के बाद भी कल बौद्धिक वर्ग देना है तो आज रात को तैयारी करते थे, फिर से सारा देख लेते थे, क्योंकि कोई भी बात बिना मूल के नहीं जानी चाहिए। ऐसा परिश्रम हमको भी करना पड़ेगा, ऐसा चिंतन हमको भी करना पड़ेगा। काल परिस्थिति देश सुसंगत चिंतन का रूप आज क्या हो फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो 10 साल पहले था वो आज बदल गया है, और आज जो है वो 10 साल बाद रहेगा कि नहीं बता नहीं सकते। दत्तोपन जी के सारी ज्ञान साधना में ये जैसा परिश्रम था, ये जैसी प्रामाणिकता थी, निस्वार्थ बुद्धि का नेतृत्व, समर्पित नेतृत्व कैसा रहता है, डॉक्टर साहब का तो उदाहरण देते ही थे, नित्य हम जो उदाहरण लेते हैं आंबेडकर साहब का, विवेकानंद जी का, वो सब रहते थे, चारू मुजुमदार का भी उदाहरण देते थे, मोहम्मद साहब का भी उदाहरण देते थे। इन सबकी जो कदर है वो कदर मन में रखकर उनका, और ये सारा उद्योग चलता था, चिंतन चलता था, वैसे ही उसमें एक ये विवेक मिलता है। परिस्थिति अनुरूप रूप उन्होंने प्रस्तुत किया है जगह जगह। वो एक महान विचारक थे, लेकिन वो विचारों में बंद नहीं थे, विचारों का जो मूल है, मूल्य है हमारे 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 देश में धर्म के मूल्य है, विचारधारा कोई भी हो, संप्रदाय कोई भी हो, धर्म का मंडन सबने किया है, धर्म कहो धम्म कहो ऐसे अनेक नाम से, पुरुल कहो, लेकिन धर्म का है। उन मूल्यों पर पक्का रहकर किसी भी हालत में उनसे रत्ती मात्र समझौता न करते हुए भी ये जो गतिमानता है सोचने की, ये हमको भी सीखनी पड़ेगी, तब हम समाज में दत्तोपन जी के विचारों को ले जा सकेंगे। दत्तोपन जी का नेतृत्व का हमारे सबके अध्ययन का विचार है, विषय है। पहली जो बात है कि पूर्णतः निष्प्रह निस्वार्थ नेतृत्व उनका था, मैं नहीं तू ही, यह उनका जीवन में मंत्र था। नेतृत्व करना पड़ता था तब वो करते थे, लेकिन अगर कोई दूसरा उपलब्ध है उतनी क्षमता के साथ कार्य सिद्धि हो ऐसा नेतृत्व दे सकता है तो प्राथमिकता उसको रहती थी। किस प्रसंग में किसका नेतृत्व उपयुक्त है उसके पास वो नेतृत्व देने में हिचकते, कई बार मैंने देखा है, हम सब लोग बैठकों में मिलते थे, कई प्रकार के काम आजकल स्वयंसेवक करने लगे हैं तो कई प्रकार की बातों का मिलकर ही विचार करना पड़ता है, तो कभी वो कहते थे कि ये नहीं, इसको इसमें मैं नहीं, उनको बताओ, वो इसके लिए उपयुक्त है, वो देते अनुभव नहीं है। गैरिबाल्डी है, उसको सेनापति बनाओ, वो गैरिबाल्डी को नेतृत्व दे दिया, उसके नेतृत्व में संघर्ष हुआ, जीत गए। बाद में अब समाज, अब ये उदाहरण वो देते थे, लेकिन ये दिखता था उनके करने, सारे प्रसंग मालूम है इसलिए मैं उनमें जाता नहीं हूं, लेकिन एक उदाहरण है भारतीय मजदूर संघ की स्थापना में, दत्तोपन जी के मन में नाम था भारतीय श्रमिक संघ, और भोपाल में बैठक हुई, इस नाम को लेकर जिनसे चर्चा हुई थी, बंगाल के बड़े सीनियर कार्यकर्ता वो भी इसके समर्थन में थे, बैठक में विषय आया विशेषकर उत्तर भारत के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये श्रमिक तो हम कह भी नहीं, उच्चारण भी ठीक से नहीं कर सकते, और समझ में भी किसी को मजदूर को, तो दत्तोपन जी ने ये उनको कहा कि आप बताइए आपका विचार रखिए, तो उन्होंने कहा कि ये श्रमिक शब्द तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी बात सोचने लायक है, श्रमिक के बजाय मजदूर करना चाहिए, तो दत्तोपन जी ने उसको मजदूर संघ कर दिया। वास्तव में वो स्थिति तो ऐसी थी, संगठन का बिल्कुल प्रारंभ था, मुट्ठी भर कार्यकर्ता थे और दत्तोपंत जी सबके श्रद्धा केंद्र थे, सबसे प्रमुख थे, वो तो अंत तक रहे,
लेकिन उस समय तो बाकी कोई था ही नहीं विचार करने वाला। दत्तोपन जी अपना आग्रह रख सकते थे, बहुत ज्यादा नहीं बिगाड़ होता, लेकिन दत्तोपन जी ने सबका मन सुना और वो ऐसे चले। ये टीम वर्किंग में सब में एक होकर रहना, नेतृत्व देते समय अंग्रेजी में जो सुप्रसिद्ध वाक्य प्रचार था, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग फ्रॉम विद इन, यह उनकी शैली थी। जो जो वो कहते थे वो सब वो करते थे, जो उपदेश उनका रहता था वैसा उनका जीवन था, और इसलिए उनके शब्दों में एक सामर्थ्य रहता था। और नेता होने के बाद भी सबके साथ उन्हें जहां औपचारिकता का पालन करना है वहां तक, बाकी तो वो सबके साथ रहते थे। कितना यानी अलौकिक नोहावे लोका प्रति, ऐसा सबको कहते थे कि अलौकिक लोगों में अलौकिक नहीं होना चाहिए। जिसको समाज जीवन को एक दिशा देनी है, मोड़ देनी है, उसको लोगों जैसा ही लोगों में रहना चाहिए, ऐसा ही वो रहते थे। कभी भी दत्तोपन जी अकेले उनके कमरे में मिले नहीं हमको, इस परिसर में प्रतिसभा होती थी, वर्ग होते थे, तब वो कहीं ना कहीं चार लोगों में चाय पी रहे, आंगन में खड़े है, मैदान में खड़े है, पेड़ के नीचे खड़े है, दस लोगों से बात कर रहे, ऐसा ही हमने देखा। सबके साथ रहना, सबके जैसा रहना, कितनी ही ऐसी बातें हैं टीम वर्किंग की जिनको हमको भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें बताने के लिए तो अच्छी है लेकिन इसको लोग समझते हैं सरल बातें हैं और बहुत छोटी बातें हैं, इसलिए लोग हमको भी देखते हैं, अगर हम बताते हैं तो हम वैसा कर रहे हैं। हम जब लोगों को बताएंगे कि दत्तोपन जी का नेतृत्व ऐसा था तो लोग कहेंगे ठीक है आप उनका नाम लगाते हो, आपका क्या है? दत्तोपन जी का ठीक ही है और दत्तोपन जी का प्रभाव है, लेकिन हम उनका विचार ले जाने वाले, हमारा चित्र ऐसा नहीं रहा तो इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। हमारी बातें विश्वासार्ह तब होगी जब धीरे धीरे इस तरफ जाने का हमारा प्रयास होगा, और इसलिए फिर तीसरी बात जो उनकी है, कार्यकर्ताओं पर ध्यान, कार्यकर्ताओं की चिंता। अने प्रोटेक्ट मीन्स मैनेज मेन, ऐसा एक सिद्धांत था मैनेजमेंट साइंस में पहले, कि कंपनी के साधन, स्टेट, पैसा, प्रॉफिट वगैरह बढ़ाओ, उसके लिए आदमियों का उपयोग कर लो। लेकिन आज वो शास्त्र भी कहता है कि नहीं, उल्टा होना चाहिए, प्रोटेक्ट मैन, मैनेज मीन्स, मनुष्य जोड़ो, अच्छे कर्तृत्व संपन्न आदमी जोड़ के रखो, ये तो मीन्स तो आने जाने वाली बात है। समाज परिवर्तन करने वाला, संगठन खड़ा करने वाला व्यक्ति मनुष्यों को जोड़ता है, कार्यक्रमों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, अनेक प्रकार के मीन्स के माध्यम से वो मनुष्यों को जोड़ता है। संघ का स्वयंसेवक संघ पद्धति से सर्वत्र काम करता है, इसका मतलब शाखा नहीं लगाता, हाफ पैंट पहन के नहीं घूमता, लेकिन अपने अपने कार्य में, अपने कार्य के कार्यक्रमों के द्वारा, साधनों के द्वारा जो जो संपर्क में आता है उसको वो अपना बनाता है, उसकी पूरी चिंता करता है, मित्र बनता है और उसके लिए परिश्रम उठाता है। यहां कई बार 14 साल में यहां रहा तो दो बार तो दत्तोपन जी यहाँ रहते ही थे रेशिमबाग में, प्रतिनिधिसभा और वर्ग, तो रात को 10-10:30 बजे वो देखते थे कहीं मैं मिला तो, या कोई और मिला तो उसको, तो बुलाते कहते थे आज बहुत काम किया तुमने, बहुत थक गए हो ना, तो ध्यान में आता था। फिर मैं कहता था कि नहीं क्या करना है बताइए, नहीं स्कूटर वगैरह भी तुम अभी व्यवस्था में कहीं दी होगी, नहीं स्कूटर है, अच्छा तो फिर जाके आएंगे। फिर 10:30-11 बजे हम निकलते थे और फिर कम से कम 5-7 कार्यकर्ताओं के यहाँ जाते थे, कार्यकर्ता फ्लैट्स में रहने वाले से लेकर झोपड़ी में रहने वाले,
एक डेढ़ बजे भी वो एक बार तो मुझे याद है उनके भतीजे के यहाँ ही गए थे मिलिंद जी के यहाँ, और रात को एक बजा सब लोग सो गए थे, तो आवाज़ दिए तो अंदर से कोई प्रतिसाद नहीं आया। उन्होंने कहा दत्तोपन जी जाग नहीं रहे, तो एक पत्थर मार के देखो। तो लकड़ी की पाटे थे खिड़की के, मैंने पत्थर मारा, उससे जग गए लोग, फिर अंदर गए उन बात हुई। लेकिन ये उनका नित्यक्रम रहता था, पूरे काम होने के बाद भी कार्यकर्ता के घर जाना, हालचाल देखना, बातचीत करना, कठिनाई है तो कुछ मार्ग सुझाना, कुछ व्यवस्था करना, रोज का क्रम रहता था। डेढ़ दो बजे के पहले यहाँ तो हमने नहीं देखा कभी सोए। मैं एक बार पूछा तो उन्होंने कहा अरे मजदूर संघ वाले ऐसे ही है, आधा कप चाय पी के दो दो घंटे के बाद हम जागते रहते हैं। अब ये मनुष्यों की चिंता करने का स्वभाव, और चिंता करने ने लाड़ करना नहीं, और सन्मित्रों के लक्षण है ना, पापान निवारयति, गलत मार्ग में जाने नहीं देना, योजयति हिताय, हित की योजना करना, गुह्यम च गुहति, दोष है कुछ रहस्य गुप्त रखना, गुप्त कर देना उसको, नष्ट कर देना, चार लोगों में चर्चा नहीं करना, गुणान प्रकटी करो, गुणों की चर्चा सर्वत्र करना, आपद गतम न जहाति, संकट में फंसे को छोड़ नहीं देना, ददाति काले, समय पर मदद करना, ये जो लक्षण है सन्मित्र लक्षण इदम प्रवदन्ति संता, इसका नित्य वस्तु पाठ दत्तोपन जी के जीवन में हमने देखा है। तो इसका मतलब जनता में ये सारी बातें हम ले जाएंगे तो उसके पीछे ये संभव है, ये आना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर राम हुए कि नहीं 8000 साल के बाद प्रश्न निकालने वाले तो आ ही जाते हैं, राम है प्रत्यक्ष है मैं देखता हूं ऐसा कहने वाले भी है, लेकिन राम हुए हुए कि नहीं ऐसा क्यों प्रश्न आता है, उसका एक बड़ा महत्व का कारण यह भी है कि राम जैसे लोग नहीं दिखते, या फिर बीच वाला मार्ग समाज का, हाँ राम तो हुए है लेकिन तो भगवान के अवतार थे, मनुष्य में ऐसा नहीं होता कोई, इसलिए हम चाहे जो करने के लिए खाली हो गए। दत्तोपन जी के विचार को ले जाना है, इसका मतलब मन वचन कर्म को ले जाना है, तो हम इसको ले तो जाएंगे, वो करना ही है, इन सारी बातों को बताना है, लेकिन ये हम ले जा सके इसलिए भी, और दत्तोपन जी हमारे सामने ऐसे होकर गए उसका लाभ हमको भी मिले इसलिए भी, हमको इन तीनों पहलुओं में आज हम जहाँ है वहाँ से कितने कदम आगे आने वाले शताब्दी वर्ष में जाएंगे, इसका भी अपना अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। जन्म शताब्दी समिति की ओर से इन तीनों बातों को पहुँचाने के उत्तम कार्यक्रम, उसके लिए आवश्यक साहित्य, उसका अध्ययन करने की व्यवस्थाएं, सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन ये एक कार्यक्रम जो है कि दत्तोपन जी के इस तत्वचिंतक पहलू को, नेतृत्व के पहलू को और संगठक के पहलू को अपने जीवन में लाना, पूरा का पूरा एकदम वैसा होंगे एक साल में स्वयं दत्तोपन जी ने, और कितनी लंबी तपस्या उसकी की है, साधना की है, ठीक है कुछ बातें और उनको जन्मगत मिली थी, लेकिन वो भी स्वयं कहते थे, बाबा साहब भी कहते थे कई बार कि ए जीनियस इज 10% इंस्पिरेशन 90% परस्पिरेशन, तो अपने को भगवान ने दिया जितना है उसका अगर 90% हम उस पर और पसीना बहाते तो कुछ तो आगे चले ही जाएंगे। जन्म शताब्दी वर्ष का अपना लक्ष्य तय कीजिए, इन तीनों पहलुओं में मैं कहाँ तक आगे जाऊंगा और उसका पूरा करना, ये अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम हम सबने बनाना चाहिए। ऐसा अगर हम चलते हैं तो दत्तोपन जी के कृतित्व व्यक्तित्व और नेतृत्व को हम समाज में प्रबोधित कर सकेंगे, समाज उसको मानेगा कि हाँ ये हो सकता है, क्योंकि इसका प्रबोधन करने वाले लोगों के जीवन में भी ये दिखता है, पूरा नहीं दिखता लेकिन उनका प्रयास है पूर्णत्व की ओर जाने का, ये भी दिखता है, और इसलिए ये हो सकता है दत्तोपन जी जैसे थे वैसे हम भी हो सकते हैं, ये समाज को लगने लगा, तो फिर समाज परिवर्तन की प्रक्रिया
सुफल संपूर्ण होगी। यही रास्ता है, समाज परिवर्तन का और रास्ता नहीं होता है। मार्गाधारे वर्तावे विश्व मोहरे लावावे अलौकिक नोहावे लोकाप्रति, पूरी ओवी यह है ज्ञानेश्वरी कि जैसा होना है समाज को वैसा वर्तावे स्वयं करना और सारे विश्व को एक दिशा में लगाना, और ये करते समय लोगों में रहकर इसको करना, लोगों का रहकर इसको करना। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जिसको नायक कहा है वो नायक ऐसा होता है। दत्तोपन जी को अपने जीवन से जो उदाहरण अभिप्रेत था, जो उन्होंने बड़ी और क्षमता के साथ यशस्वी रूप से हम सबके सामने रखा है, वो ऐसे चिंतक संगठक नेता नायक का रखा है। वैसा होने का हम भी प्रयास करें और कैसा होना चाहिए इसका वर्णन दत्तोपन जी के व्यक्तित्व कृतित्व और विचारों के माध्यम से सर्वत्र ले जाए, इतनी एक प्रार्थना आज के दिन आपके सामने रखता हुआ मैं अपने चार शब्द समाप्त करूँ।